जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनी श्री शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके सितारे खास आपके लिए आज तुला राशि वालों, इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाए और आप अपना मकान दुकान वगैरह ना खरीद पाए, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और तुरंत प्रयास कीजिए कि आप खुद का अपना मकान दुकान ऑफिस शोरूम जो भी आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप आखिर तक आज के इस राशिफल को देखते रहें। यहां सबसे पहले प्रारंभ करूंगा ग्रह गोचर से। आज के जो ग्रह गोचर हैं उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा कल के ग्रह गोचर थे, यानी सूर्य और बुध मेष राशि में विराजमान थे, शुक्र ग्रह जो हैं वो अपने घर में ही विराजमान थे यानी वृष राशि में थे, मिथुन राशि में राहु महाराज विराजमान हैं और धनु राशि में चंद्रमा और केतु दोनों ही विराजमान हैं, जबकि मकर राशि में बृहस्पति और शनि, शनि जिसमें अपने घर में है और बृहस्पति शनि के घर में नीच स्थान पर विराजमान है, जबकि मंगल कुंभ राशि में विराजमान हो चुके हैं। तो ये राशि जो ग्रह गोचर है ये आपकी जन्म कुंडली को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और उसी के कारण ही आपको अच्छे और बुरे फल प्राप्त होते हैं। अगर आसमान में कोई ग्रह बहुत अच्छा है और आपकी कुंडली में भी वो ग्रह अच्छा है जन्म कुंडली के अंदर, तो निश्चय जानिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। किंतु अगर आसमान में वो ग्रह बहुत अच्छा है और आपकी कुंडली में कम अच्छा है तो आपको थोड़े कम फलों की प्राप्ति होगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य के साथ साथ काल समय और परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए इस राशिफल को अगर आप अपने जीवन में समझने का प्रयास करेंगे तो आप सही रूप से जान सकेंगे कि क्या आपके जीवन में घटित होने वाला है। यहां पर जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हमने आपके लिए एक फ्री सर्विस देने के लिए जिसमें आपको आपकी परेशानियों के लिए फ्री में उपाय दिए जाएंगे, तो वो सर्विस मोबाइल ऐप को लॉन्च करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर के जो लिंक है जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें और जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है वो समय समय पर इसे अपडेट जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे नए फीचर्स लगातार ऐड करने का इसमें प्रयास हो रहा है जो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो उस ऐप में आप स्वामी प्रिंस ऋषि या किसी साधक या साधिका के उसमें जाकर जो उनके जो असिस्टेंट हैं उनकी उसमें जाकर आप अपनी परेशानियों की सारी डिटेल दे दें, नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह और चेहरे का फोटो लगा दें, अपनी परेशानियां लिख दें, अपनी बर्थ डिटेल्स दे दें, जो फॉर्म है उसे फिलअप कर दें, तो आपको हमारी तरफ से उपाय भेज दिए जाएंगे। कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं होगा, आपको डायरेक्टली उपाय भेज दिए जाते हैं। फिर भी अगर आप उन उपायों को प्राप्त करना चाहते हैं हमारे यहां से तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए यहां प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 11 मई 2020 विक्रम संवत 2077 चतुर्थी तिथि है कृष्ण पक्ष के वैशाख मास की। आसमान में पूर्वा अषाढ़ा नामक नक्षत्र उदय हुआ है। दिन सोमवार का है। साध्य नामक योग का उदय हुआ है। राहु काल सुबह 7:13 से लेकर 8:54 तक रहने वाला है, जबकि अभिजीत मुहूर्त 11:53 से लेकर 12:41 दोपहर में रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त के दौरान ही आप शुभ कर्म कोई करना चाहते हैं तो वो सबके लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार हम आपको बताते रहे कि हम पिछले काफी सालों से 133 देशों में एस्ट्रोलॉजी की मतलब ज्ञान के द्वारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपायों के द्वारा 133 देशों के लोगों को उपाय देते रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते रहे हैं। और यहाँ तक कि हमसे एस्ट्रोलॉजी सीखने वालों में अमेरिका से चलकर आने वाली डॉक्टर निकोल या यज्ञ कराने वालों में यंगेस्ट बिलियनर रेफ वेन ऑफ साउथ अफ्रीका के जो यंगेस्ट बिलियनर है वो भी यहाँ आकर हमसे यज्ञ कराकर गए हैं, यज्ञ कराते रहते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे अन्य लोग हैं जो समय समय पर हमारे पास आते हैं और हमारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के राशिफल से। बात करते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति जैसा कि दिखाई दे रहा है आप अभी भी सावधान नहीं है, सतर्क नहीं है, बहुत लापरवाह हो जाते हैं,
आपकी लापरवाही ही आपको इस बदनामी की झंझट से मुक्ति नहीं लेने दे रही है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवारजनों का भरपूर साथ, आपकी एजुकेशन में आपकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है तो उनसे सलाह लेकर अपने एजुकेरियर का निर्माण करें। निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर बात करते हैं परिवारजनों के साथ, आपके सब भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो वहां कुछ अड़चनें आपको परेशान कर सकती हैं, सावधान रहें। अगर हम बात करते हैं माता के साथ, तो माता का आशीर्वाद लेते रहिएगा, क्योंकि माता का आशीर्वाद लेने से निरंतर आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंटों की मेहनत करने के बाद भी कम नंबर आते हैं, या उन स्टूडेंट्स की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे मगर सफल नहीं हो रहे, या उन स्टूडेंट्स की जिनका माता पिता से बहुत ज्यादा वाद विवाद होता है, तो ऐसे सभी केस में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक अपॉइंटमेंट बुक करें, वीडियो कॉल, फोन कॉल या स्वयं मिलने के लिए। तो हम आपकी जन्म कुंडली और आपका चेहरा देखकर निसंदेह आपको मजबूत करेंगे, ताकि आप हर बार पढ़ाई में पहले से ज्यादा नंबर लाएं। इस बात के लिए तो आप हमसे गारंटी लिख के भी ले सकते हैं और आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगे। या अगर आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का चांस नहीं है, तो आप किसी दूसरी तरफ आपको मजबूत करके डाइवर्ट कर सकें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का कमजोर चांस है, तो उसे मजबूत बनाकर आपको प्रबल दावेदार बना सकें गवर्नमेंट जॉब का। और जो संतान अपनी माँ बाप की बेइज्जती करती है, तो ऐसे सभी माता पिताओं से कहेंगे कि आप परेशान मत होइए, हम निश्चित रूप से घर बैठे ही आपकी मदद कर सकते हैं, आप हमसे मिलकर भी मदद ले सकते हैं। आपकी संतान चाहे 15 साल की हो या 55 साल की हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपके और उनके बीच में प्रेम संबंधों का दोबारा से स्थापना करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय, जो आपको साल में ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार करने होते हैं। मैं सभी केसेस की बात कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक या दो बार करने होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, इन उपायों से आप निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरु जी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो इनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के तहत जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया, ये मेरे को अंगूठियां पहनाई और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में, काम था या बाद में शुरू हुआ? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहां पर कोई में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहां पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन युवक युवतियों की जो शादी ना हो पानी की वजह से परेशान है, रिश्ते वाले आते हैं रिजेक्ट करके चले जाते हैं। ऐसी स्थिति से पार पाने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखाएं अपॉइंटमेंट लेकर, तो और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय उनके द्वारा आप खूबसूरत से जीवन साथी अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। तो आपको सिर्फ स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक अपॉइंटमेंट बुक कराना है, अपना चेहरा दिखा के या अपनी परेशानी दिखाकर आप पूरी दुनिया में कहीं भी घर बैठे इन उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके और जीवन साथी के मध्य अक्सर तनावपूर्ण संबंध रहते हैं, किंतु आज आपका जीवन साथी आपके कार्य में आपकी आमदनी में मदद करता हुआ नजर आ रहा है, आपको स्ट्रांग बनाने का प्रयास कर रहा है,
तो अपने संबंधों को सुधारने का भरपूर प्रयास करें, अपनी आदतों को सुधारें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आपकी आदतों के अंदर है, जिसकी वजह से कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जिसके कारण पारिवारिक जीवन जो है वो कलहपूर्ण हो जाता है। तो इस स्थिति से पार आने का प्रयास करें। ससुराल पर से कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। भाग्य के हालात उलझनपूर्ण हैं, कुछ उलझने आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु अल्टीमेटली भाग्य निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। कार्यस्थल के हालात के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कार्यस्थल के जो हालात हैं वो निश्चित रूप से आपके भाई बहनों की मदद से ठीक किए जा सकते हैं। तो भाई बहनों का शुभकामनाएं दीजिए, भाई बहनों का मदद लीजिए और अपने कार्यस्थल के हालातों को ठीक करने का प्रयास करें। यहाँ जो आमदनी के हालात है, निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया जीवन साथी आपके आमदनी के हालातों में वृद्धि कर रहा है, तो आप अपनी आमदनी में वृद्धि प्राप्त करते रहें। यहाँ मैं तुला राशि वाले व्यक्तियों से जो प्रेम संबंधों में परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, चाहे लड़ाई झगड़े की वजह से या शादी ना हो पाने की वजह से या किसी तीसरे के घुस आने की वजह से, या ऐसा लगता है आपको कोई आपका प्रेम छीन रहा है या आपका जो साथी है वो शादी से मुकर रहा है या उसका आपसे मन भर गया है, ऐसी सभी स्थितियों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय के द्वारा आपकी मदद की जा सकती है, जिसमें आपको कोई बकरा नहीं कटवाना, कोई मुर्गा नहीं कटवाना, कोई उल्लू नहीं कटवाना, कोई सियार सिंगी की बलि नहीं देनी है। मात्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में एक या दो बार ही करने हैं आपने, उन उपायों के द्वारा आप अपने प्रेम संबंधों में उन्हें नव जीवन प्रदान कर सकते हैं, खुशियां ला सकते हैं अपने जीवन में। उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एक अपॉइंटमेंट बुक कराएं, अपना चेहरा दिखा के या अपनी परेशानी दिखाकर आप पूरी दुनिया में कहीं भी घर बैठे इन उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में तुला राशि वाली व्यक्तियों की ओवरऑल स्थिति को देखते हुए उन्हें 5 में से 2 स्टार देता हूं। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।